ये देखिए, ये समर में यहाँ पर पूरा ये बहुत सारा ये बन गया था, तो यहाँ पे दो बर्ड ने अपना घर बनाया है, ये देखिए। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। ये देखिए ये खूबसूरत फ्लावर, मैं बहुत खुश हूँ आज इसे देखकर। इसे मैंने रोड किनारे से एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी। ये है रेलवे क्रीपर का प्लांट और इसके फूल देखिए कितने ब्यूटीफुल है, और आज इसमें फ्लावर्स आ गए हैं। वाइन फ्लावर प्लांट है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज की टॉपिक है ये खूबसूरत साइप्रस वाइन, जिसे कि गणेश बेल, सीता बेल बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, और ये एक वाइन प्लांट है। बंगाल में इसे तोरू लता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होते हैं और इसके तीन कलर होते हैं, वाइट, पिंक, इस टाइप से कलर दिखाई दिए हैं, लेकिन मेरे पास ये ब्राइट रेड कलर के ही तोरू लता के प्लांट है। ये एक खूबसूरत सा वाइन प्लांट है और ये मेरे गार्डन में तो सालों भर फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसे एक बार ले आए हैं अपने गार्डन में, तो ये आपके गार्डन से कभी भी गायब नहीं होगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये फूल से ज़्यादा आपके गार्डन में सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसके सीड बहुत सारे बनते हैं, देखिए आप, बहुत सारे सीड बनते हैं। और ये देखिए इस तरह से सीड, यदि मैं दिखाऊंगी आपको आगे, तो पहले मैं इस प्लांट की मिट्टी की बात कर लेती हूँ। ऐसे तो ये प्लांट किसी भी मिट्टी में आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि इसके सीड जहाँ पर गिरते हैं वहीं पर एक नए प्लांट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगाना है इसे, तो इसे वेल ड्रेन्ड मॉइस्चर से भरा हुआ मिट्टी में लगाइए। अंडर वाटरिंग भी इसे पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग भी इसे पसंद नहीं है। रेगुलर जैसे सभी प्लांट में वाटरिंग करते हो, ऐसे ही इसमें वाटरिंग करना है। इसे लगाने की कभी भी जरूरत आपको नहीं होती है। छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, लेकिन आपके गार्डन में ये रौनक ला देती है। और ये हमिंग बर्ड बहुत सारे इंसेक्ट को भी हमारे गार्डन में अट्रैक्ट करती है, और बहुत सारे पॉलिनेटर को हमारे गार्डन में भी बुलाते हैं। इस फ्लावर प्लांट को हाइबिस्कस के बगल में ही रखा है, और मैं कलियां दिखा देती हूँ हाइबिस्कस में कितनी सारी आई हुई है और कितने सारे फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो ये देखिए, शुरू करती हूँ, एक, दो, तीन, चार, देखिए आप देखिए अनलिमिटेड कलियां आई हुई है। और भी दिखाती हूँ आपको कितने बड़े फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए बहुत सारी कलियाँ आई हुई है, और इसी तरह पॉलिनेशन का काम करने वाले फ्लावर प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। आपके भी हाइबिस्कस फ्लावर प्लांट में ऐसे ही भर भर कर कलियाँ आएगी। तो राइट साइड में तो हाइबिस्कस थी, अब मैं लेफ्ट साइड चलती हूँ। लेफ्ट साइड देखिए विंका में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। इधर डेंथस में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। तो ये प्लांट में फूल बहुत सारी होती है। अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइप से आप स्पेन फ्लावर को अगर तोड़ देते हो तो बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं। लेकिन गार्डन में इतने सारे फ्लावर प्लांट होने के बाद ये काम नहीं करता है, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग करना है तो इसे करना है। और कहीं भी ये फ्लावरिंग कर देता है, सभी जगह ये होते ही रहते हैं सालों भर। मैं इसका एग्जाम्पल आपको अभी दे रही। अगर आप छोटे छोटे फ्लावर प्लांट के शौकीन हैं, आपके बालकनी में छोटी सी जगह है, तो ये वाइन को आप लगा सकते हो। इसे ये धूप में खिलते हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर के टाइम होते हैं खिले रहने के बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये बस आपको सुबह ही दिखाई देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आपको दिखाई देंगे आपके गार्डन में। उसके बाद इसके फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे सीड पॉट बनते हैं और खुद ही गिर गिर कर इसके मेच्योर सीड देखिए इस टाइप के होते हैं, उससे काले काले सीड निकलते हैं। ये देखिए ये पूरे मेच्योर सीड है, और ये सीड जहाँ भी गिरते हैं उसमें प्लांट निकल जाते हैं। ये सब अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, ये अभी बहुत ही ये कच्चा सीड पॉड है, और ये पक्का है देखिए ये। और इसे आप अगर तोड़ेंगे तो देखिए ब्लैक कलर के निकलेंगे।
तो ये मेच्योर सीड है, अगर आप इसे अपने पास रखना चाहते हो स्टोर करके तो आप इसे रख सकते हो, थोड़ी सी फंजीसाइड लगाकर सालों साल लगा भी सकते हो, ऐसे लगाने की इसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इसमें कितने सारे सीड पॉट बने हैं। इस प्लांट को आप जितनी भी जगह दे दें कम ही लगती है, ये प्लांट बहुत ज़्यादा फैल कर होते हैं, तो मैंने एक इस आर्च का शेप दिया था कि इसमें ही ये प्लांट ग्रो हो, लेकिन इसकी ग्रोथ बढ़ते 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 देखिए यहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गए हैं, और एक सूखा हुआ एक डंडी को मैंने लगा दिया है ताकि इसमें ये चढ़कर अच्छी तरह से खूबसूरती से ग्रो करे। और देखिए इस साइड भी हाइबिस्कस के प्लांट को पूरा घेर कर रख लिया है, पूरा कवर करके रख लिया है, लेकिन इतने क्यूट से इसके फ्लावर होते हैं कि मैं इसे हटाती नहीं हूँ। पूरा ये प्लांट देखिए, और ये हाइबिस्कस कितने सुंदर कलर है, बहुत ही डिफरेंट कलर के इस बार आज फर्स्ट फ्लावरिंग हुई है, जाफरी कलर इसे कहते हैं। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये प्लांट कहाँ कहाँ हो जाते हैं। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर भी एक प्लांट बन गए हैं और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और पूरी समर ये मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करता है। मैंने कहा ना मेरे गार्डन से ये प्लांट कभी भी गायब नहीं होता है, उसका एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये समर में यहाँ पर पूरा ये बहुत सारा ये बन गया था, तो यहाँ पे दो बर्ड ने अपना घर बनाया है, ये देखिए घोंसला बना के रखा है देखिए आप, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है, लेकिन इसके सीड पॉड बस्ट होकर जस्ट इसके नीचे देखिए, ये देखिए और कितने सारे प्लांट रेडी हो गए, ये देखिए ये देखिए, और यहाँ पर ये पूरी समर फ्लावरिंग करता है, ये देखिए। यहाँ पर एक प्लांट रेडी, मतलब यहाँ पर सीड इसके गिर गिर कर बहुत सारे प्लांट बन गए, और ये देखिए एक छोटू सा प्लांट यहाँ भी रेडी है, और इसमें धूप बहुत जरूरी है, ये सुबह की सनलाइट में ही खिलते हैं ये प्लांट के फ्लावर, तो बहुत ही कम समय के लिए खिलते हैं, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर प्लांट होते हैं, और ये आपके गार्डन में ग्रीनरी भी ऐड करता है, आपके गार्डन बहुत खूबसूरत भी लगते हैं इस फ्लावर प्लांट की वजह से। तो ये प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और बहुत ही सस्ते नर्सरी में पाए जाते हैं, 15 से 20 रुपए में एक छोटे से प्लांट आपको मिल जाएंगे। आप इसके सीड ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं, और अगर आप एक बार लगा लिए तो फिर आपको सीड कभी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही लगाने की ज़रूरत होगी। तो ये तरुलता है। इस फ्लावर प्लांट के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है हमारे कुछ दूसरे प्लांट होते हैं जिसमें अगर कोई दूसरा प्लांट उग आता है तो पहले वाले प्लांट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्लांट आप जहाँ उगाए हैं वहीं रहने दीजिए, इससे किसी भी प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे फ़ायदा ही होते हैं, हमिंग बर्ड अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा पॉलिनेशन होता है आपके गार्डन में, और उसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कभी भी कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, ये बहुत ही हर्फ एंड मौला फ्लावर प्लांट है, इसमें कभी भी कोई कीड़े नहीं लगते हैं, ना वाइट मिलीबग, ना वाइट माइट्स, ना चीटियाँ, तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट इसमें हैं, तो फिर इस प्लांट को क्यों हटाना, इसे जहाँ मर्जी वहाँ जाने दो, बिल्कुल हर्फ एंड मौला फ्लावर प्लांट है ये। ये प्लांट के फ्लावर जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती है, बहुत सुंदर होते हैं इसकी पत्तियां। तो ये रही मेरी आज की वीडियो एक अच्छे खूबसूरत साइप्रस वाइन फ्लावर प्लांट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ। आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।